हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट लेक्चर में अपने 24 क्वेश्चन की बात कर ली थी। आज हम इसका 25वां क्वेश्चन देखते हैं। 25वें क्वेश्चन दिया है, एक राजमार्ग एक मीनार के नीचे से ऊपर गुजरता था। एक राजमार्ग है वो एक मीनार के नीचे से ऊपर गुजरता है। ये एक मान लेते हैं मीनार है, इसके नीचे से एक ये राजमार्ग गुजर रहा है। आगे क्या किया है, एक आदमी मीनार के शिखर से एक कार को अनुमान कोण 30 डिग्री कर देता है। ये हमारा मीनार का शिखर हो गया। यहां से एक आदमी मीनार के शिखर से एक कार को अवलंबन कोण 30 डिग्री पर देखता है। इस शिखर से मान लेते हैं ये कार राजमार्ग पर इस साइड से आ गई, तो अवलंबन कोण ये ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है, तो यहां पर ये इसका क्षेत्रीय तल हो गया। कितने डिग्री पर देखता है, 30 डिग्री पर। आगे क्या किया है, वह कार एक समान गति से मीनार के नजदीक आ रही है। ये जो कार है इस मीनार के नजदीक आ रही है एक समान गति से। इस प्रकार 6 सेकंड के पश्चात कार का अवलंबन कोण 60 डिग्री हो जाता है। अब वो जब कार यहां से लेकर मान लेते हैं 6 सेकंड तक उसने ये दूरी तय की, तो उसका अवलंबन कोण कितना आ जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। तो उसका अवलंबन कोण कितना आ जाता है, 60 डिग्री। तो कार कितने समय में मीनार के नीचे से गुजर जाएगी। ये जो दूरी है उसने 6 सेकंड में पार की है, ये दूरी पूछ रहे हैं कितने टाइम में, और ये मीनार के नीचे से यानी ये कितने टाइम में ये दूरी पार करेगी। तो देखो मान लेते हैं मीनार की ऊंचाई तो एच मीटर, इसको नाम दे देते हैं सबसे पहले। क्या लिखेंगे, माना ए बी ए मीनार है जिसकी ऊंचाई स्मॉल एच मीटर है। मीनार के शिखर बी से एक आदमी कार को बिंदु डी पर अवलंबन कोण 30 डिग्री पर देखता है। माना वह कार 6 सेकंड में बिंदु डी से बिंदु ई तक पहुंच जाती है, और उसका अवलंबन कोण मीनार के शिखर बी से 60 डिग्री हो जाता है। ये लिख देंगे। उसके बाद ये सी भी इसके क्या है, समांतर है, इसको ये तिरेक रेखा काट रही है। तो क्या लिखिए, कोण सी बी डी इक्वल है कोण बी डी ए। बी डी ए कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। ये कोण 30 है तो ये भी कितना हो गया, 30। एकांतर कोण। इसी प्रकार से कोण सी बी ई इक्वल में कोण बी ई ए। बी ई ए ये कोण 60 है तो ये भी कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। ये भी क्या हो जाएगा, एकांतर। ये लिख दें। अब देखो हमें ये बताना है कि ये दूरी वो कितने समय में पार करेगी। उसने बोल रखा है कि कार की स्पीड जितनी पहले थी उतनी ही अब है, वो उसी गति से इस पर चल रही है। तो देखो इसमें पूरा त्रिभुज लेके चलते हैं, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज डी ए बी में लंब बटे आगे चलेंगे इसमें, तो कौन सा संबंध लगेगा, टेन थीटा। लंब इसके लिए क्या हो गया, ए बी अपॉन में आधार इसके लिए क्या हो गया, डी। थीटा की वैल्यू 30, तो टेन 30 डिग्री इक्वल में स्मॉल एच अपॉन में डी। वन अपॉन में रूट 3 इक्वल एच अपॉन डी। तो डी ए इक्वल यहां से हमारे पास कितना आ जाएगा, एच रूट 3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डी ए इक्वल पूरी दूरी कितनी है, एच रूट 3। अगर हमारे पास एच की वैल्यू आ जाए तो इस दूरी को ज्ञात कर सकते हैं कितनी है। तो एच की वैल्यू इस त्रिभुज को लेके चलते हैं, समकोण त्रिभुज ई ए बी में टेन थीटा इक्वल लंब इसके लिए हो गया ए बी अपॉन में आधार इसके लिए ई ए। थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, ए बी की वैल्यू स्मॉल एच अपॉन में
a की वैल्यू हमें नहीं दी, tan साठ की वैल्यू रूट तीन इक्वल में h बटे e, तो h इक्वल कितना आ गया ea रूट तीन, इक्वेशन नंबर सेकंड, h की वैल्यू आ गई हमारी ea रूट तीन। समीकरण एक से, समीकरण एक की बात करते हैं तो da इक्वल h की वैल्यू रखते हैं ea रूट तीन इनटू में रूट तीन, ea रूट तीन h की वैल्यू है, ea रूट तीन पड़ा है, da को इसे da को लिख सकते हैं de प्लस ea, de प्लस ea इक्वल में 3ea, तो यहां से d इक्वल या ea इक्वल d इक्वल क्या आ गया यहां से 3ea माइनस 1ea, तो d इक्वल 3ea में से 1ea निकाल रहे हैं कितने रह गए 2ea, तो ea इक्वल यहां से क्या आएगा 1 by 2 into d। इसका अर्थ है ये जो दूरी है इस d दूरी की क्या है आधी है, ea दूरी जो है d दूरी की क्या है आधी है, तो क्या लिखेंगे क्योंकि ea दूरी de की आती है और कार एक समान गति से चल रही है और कार एक समान गति से चल रही है, तो अतः ea दूरी तय करने में लिया गया समय इक्वल ea दूरी तय करने में लिया गया समय इक्वल 1 by 2 into d दूरी तय करने में लिया गया समय, तो d दूरी तय करने में कितना समय लिया था 6 सेकंड, तो 1 by 2 into 6 सेकंड, तो ये कितने आ गए 3 सेकंड, क्योंकि ये जो दूरी है इसकी आती है आधी है, इसका अर्थ है इससे आधा ही टाइम लगेगा, ये 6 सेकंड में बात करिए तो ये कितने सेकंड में बात करेगी 3 सेकंड, तो अतः कार मीनार के नीचे से 3 सेकंड में गुजर जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीनार के आधार से एक सरल रेखा एक मीनार से खींचती है, तो देखो इसमें मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर एक मीनार है, इसके आधार से सरल रेखा में 4 मीटर ये दूरी मान लेते हैं 4 मीटर और 9 मीटर यहां तक ये दूरी मान लेते हैं 9 मीटर है पूरी, 9 मीटर आगे क्या दिया है दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से 4 मीटर दूरी पर और 9 मीटर दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक कोण है, इस जो मीनार के शिखर के ये जो उन्नयन कोण है एक दूसरे के पूरक कोण है, अब पूरक कोण क्या होते हैं जब दो कोणों का योग कितना हो 90 डिग्री के बराबर हो तो वो एक दूसरे के क्या होते हैं पूरक कोण, तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर मान के चलेंगे, माना मीनार की ऊंचाई कितनी है स्मॉल h मीटर, क्या मान लिया मीनार की ऊंचाई स्मॉल h मीटर, अब उसने कहा उन्नयन कोण जो है पूरक कोण है अगर ये थीटा है तो दूसरा क्या होगा फिर 90 माइनस दोनों का योग 90 के इक्वल होना चाहिए, नाम देते हैं इनको ए बी सी, तो क्या लिखेंगे यहां पर इसने माना ए बी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई स्मॉल h मीटर है, मीनार के आधार ए से 4 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु सी से मीनार के शिखर बी का उन्नयन कोण थीटा है तथा मीनार के आधार ए से 9 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु डी से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 90 माइनस थीटा, माना कोण ACB इक्वल थीटा तो यहां से कोण ADB इक्वल क्या आएगा 90 माइनस थीटा, सिद्ध कर रहे हैं कि हमें मीनार की ऊंचाई कितनी है 6 मीटर है, हम क्या मान के चल रहे हैं h मीटर, इस त्रिभुज की बात करते हैं समकोण त्रिभुज
समकोण त्रिभुज सी ए बी में लंब और आधार टेन में अपने टेन थीटा इक्वल लंब है इसके लिए क्या हो गया ए बी अपॉन में आधार इसके लिए सी ए थीटा की वैल्यू थीटा ही है तो टेन थीटा इक्वल स्मॉल एच अपॉन में सी ए की वैल्यू कितनी है 4। तो यहां से एच इक्वल क्या आएगा 4 टेन थीटा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर समकोण त्रिभुज कौन सा ये डी ए बी में टेन थीटा इक्वल इसके लिए लंब क्या हो गया ए बी अपॉन में आधार इसके लिए आधार कितना है डी और थीटा की जगह पर यहां पर क्या दिया 90 माइनस थीटा 10 90 माइनस थीटा 4 थीटा इक्वल में ए बी की वैल्यू है डी ए की वैल्यू कितनी है 9। यहां से लेकर यहां तक ये दूरी कितनी है 9 मीटर तो एच इक्वल यहां से क्या आ जाएगा 9 कोट थीटा। क्वेश्चन नंबर सेकंड समीकरण एक का 2 से गुणा करने पर समीकरण एक का 2 से गुणा करने पर तो लेफ्ट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड के साथ h इनटू h इक्वल में 4 tan थीटा इनटू 9 cot थीटा 4 इनटू 9 36 h इनटू h h स्क्वायर इनटू tan थीटा और cot थीटा लिख सकते हैं 12 tan थीटा 10 से 10 कैंसिल तो h स्क्वायर इक्वल 36 स्क्वायर करेंगे तो इस साइड क्या आएगा √36 और प्लस माइनस 36 किसकी स्क्वायर होती है 6 प्लस माइनस 6। अब देखो मीनार की ऊंचाई माइनस में तो हो नहीं सकती मीनार की ऊंचाई क्या होगी प्लस में ही होगी तो यहां पर ऊंचाई ऋणात्मक नहीं हो सकती तो h इक्वल क्या आ गया 6 मीटर अतः मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है यही हमें प्रूव करना है। नेक्स्ट 27वां क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है वो आप खुद करोगे। 28वां क्वेश्चन देखते हैं यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 से 60 में परिवर्तित हो जाता है सूर्य का उन्नयन कोण 30 से कितने में परिवर्तित हो रहा है 60 में तो इन दोनों उन्नयन कोणों पर 15 मीटर ऊंचे खंभे सबसे पहले देखो एक 15 मीटर ऊंचा खंभा लिए सूर्य का उन्नयन कोण 30 से 60 में परिवर्तित हो रहा है पहले मान लेते हैं इस बिंदु से इसका उन्नयन कोण कितना है 30 फिर कितने में परिवर्तित हो रहा है 60 डिग्री तो इन दोनों उन्नयन कोणों पर खंभे की छाया की लंबाई में अंतर ज्ञात हो तो खंभे की छाया की लंबाई में ये अंतर ज्ञात करना है हमें कि खंभे की छाया की लंबाई में कितना अंतर हो रहा है इसको नाम दे देते हैं ए बी सी तो क्या लिखे माना ए बी एक खंभा है जिसकी ऊंचाई 15 मीटर है इसके समतल धरातल के किसी बिंदु सी से खंभे के शिखर बी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है तथा बिंदु डी से खंभे के शिखर बी का उन्नयन कोण 60 डिग्री अतः कोण बी सी इक्वल 30 डिग्री तथा कोण बीडी इक्वल 60 तथा कोण बीडी इक्वल 60। देखो अभी यहां पर इसकी बात करते हैं पूरे त्रिभुज से वैल्यू निकाल लो इतनी वैल्यू देगी हमें तो खंभे की छाया की लंबाई में अंतर कितना हो रहा है अगर पूरी में से यहां पर इस पूरी छाया की लंबाई में से ये लंबाई माइनस कर दे तो हमारे पास खंभे की छाया की लंबाई में अंतर आ जाएगी तो समकोण त्रिभुज वैल्यू निकालते हैं आधार की इनसे समकोण त्रिभुज डीएबी में लंब और आधार
टाइप फल, लंब इसके लिए क्या हो गया ए बी, अपान में खदार इसके लिए डीए, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, एकल में 15 बटे डीए, रूट 3 इक्वल 15 बटे डीए, रूट 3 इक्वल हमारे पास कितना आ गया 15 बटे डीए। इसके बटा में कितना मान सकते हैं, तो डीए रूट 3 इक्वल में 15, तो डीए इक्वल 15 बटे रूट 3। रूट 3 से अंश व्यवहार में गुणा करने, तो रूट 3 इंटू रूट 3, तो डीए इक्वल 15 रूट 3 अपॉन में 3, 3 इंटू 5 15, तो डीए इक्वल कितना आ गया 5 रूट 3 मीटर, तो डीए की वैल्यू कितनी आ गई 5 रूट 3 मीटर। अब पूरे इस छाया की लंबाई सीए की वैल्यू निकालते हैं, पूरा त्रिभुज लेके चलें, समकोण त्रिभुज सी ए बी में टेन थीटा इक्वल, इसके लिए लंब क्या हो गया ए बी अपॉन में आधार क्या हो गया सी ए, ए बी अपॉन में सी ए, थीटा की वैल्यू इसके लिए कितनी है 30, तो टेन 30 डिग्री, ए बी खंबे की इसमें चाहिए कितनी है 15 अपॉन में सी ए, टेन 30 की वैल्यू 1 बटे रूट 3 15 बटे सी, तो सी ए इक्वल बटे गुणा करेंगे 15 रूट 3 मीटर, तो सी ए की वैल्यू कितनी आ गई 15 रूट 3 मीटर। तो अतः खंबे की छाया की लंबाई में अंतर, अतः खंबे की छाया की लंबाई में अंतर सी डी इक्वल, खंबे की छाया की लंबाई में अंतर सी डी इक्वल क्या लिखेंगे सी ए माइनस डी, सी ए माइनस डी पूरे में से ये डी ए माइनस कर दिया तो ये खंबे की छाया की लंबाई में अंतर आए, सी ए की वैल्यू कितनी है 15 रूट 3 माइनस 5 रूट 3, तो 10 रूट 3, रूट 3 का मान रखते हैं 10 इंटू 1.73 हो तो कितना आ जाएगा 17.32 मीटर। तो इस खंबे की छाया की लंबाई में अंतर कितना हो रहा है 17.32 मीटर। इस चैप्टर के इतने ही क्वेश्चन है, एग्जाम्पल भी इसके करके देखोगे, फिर भी कोई डाउट है तो आप अपना पर्सनली मैसेज वगैरह करके वो डाउट क्लियर करो, बाकी नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे।